बात करते हैं हीपेटोसेलुलर जॉन्डिस। ठीक है, तो हीपेटोसेलुलर जॉन्डिस में ये बेसिकली मैंने चार पांच पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसे मैं रीड आउट करता हूँ। इट रिजल्ट्स फ्रॉम इनएबिलिटी ऑफ लीवर टू ट्रांसपोर्ट बिलिरुबिन अक्रॉस द हिपेटोसाइट्स इनटू बाइल, अकरिंग एज अ कंसिक्वेंस ऑफ पैरेन्काइमल लीवर डिजीज। ठीक है, पॉइंट नंबर टू, बिलिरुबिन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द हिपेटोसाइट्स मे बी इम्पेयर्ड एट एनी पॉइंट। बाइल डक्ट में जाने से पहले और हिपेटोसाइट्स में एंट्री होने के बाद बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पर इम्पेयरमेंट हो सकती है। सपोज दैट कि जो कंजुगेशन है ना, कंजुगेट करने वाला जो एंजाइम है, ठीक है, वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट ना हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लीवर पैरेन्काइमा का डैमेज हो गया है ना। तो हो सकता है क्या, कंजुगेशन तो हो लेकिन वो बाइल कैनिकुली में जा ही ना पाए, है ना, वो पाथवे ही ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए, तो एट एनी पॉइंट इम्पेयरमेंट कैन अकर। ठीक है, अब अगर लीवर का पैरेन्काइमा डैमेज हुआ है तो अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन की वजह से स्वेलिंग और एडिमा होता ही होता है। हो सकता है क्या इस स्वेलिंग और एडिमा के वजह से भी देर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द बिलियरी कैनालिकुली, और इसके वजह से भी कॉन्जुगेशन होने के बाद भी, है ना, वो आगे नहीं जा सकता है। ठीक है, करेक्टरिस्टिकली देयर विल बी इंक्रीज इन ट्रांस एमिनेज, दैट इज एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज एंड एलनिन ट्रांस एमिनेज। ये इसको डिस्टिंग्विश करेगा, किससे डिस्टिंग्विश करेगा, प्री हिपेटिक जॉन्डिस से, है ना, वहाँ पे एसटी और एलटी का लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ता था, यहाँ पे ये लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक्यूट जॉन्डिस अगर है और एस्पार्टेट ट्रांस एमिनेज, है ना, का वैल्यू मोर देन 100 यूनिट पर लीटर है, तो हम लोग ये सोच सकते हैं कि अंडरलाइंग काउज कैन बी इन्फेक्शियस सच एस हेपेटाइटिस, और देयर कैन बी अ ड्रग टॉक्सिसिटी, और देयर इज ए इस्कीमिया ऑफ हिपेटोसाइट्स। ये तीनों कंडीशन में हमें एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज का लेवल मोर देन 100 यूनिट पर लीटर मिलेगा। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासोनोग्राफी से हमें ये पता चलेगा क्या जो हिपेटोसाइट्स है ना, जो लीवर का टेक्सचर है वो नॉर्मल है या नहीं, जो अंदर में कैनालिकुली है, जो डक्ट है वो ठीक है या नहीं, और लीवर बायोप्सी से हमें जो अंडरलाइंग कॉज है वो पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या ऐसा कौन कौन सा कंडीशन है हिपेटोसेलुलर कंडीशन दैट विल प्रोड्यूस जॉन्डिस। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन कौन सा हिपेटोसेलुलर कंडीशन है जिससे कि हमें जॉन्डिस देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग तीन हेपेटाइटिस देखेंगे, दो टॉक्सिसिटी देखेंगे और एक डिजीज़ देखेंगे। तीन तरह की हेपेटाइटिस कौन कौन सी है, वायरल, अल्कोहलिक एंड ऑटोइम्यून। ठीक है, कौन कौन सा, वायरल, अल्कोहलिक एंड ऑटोइम्यून। दो टॉक्सिसिटी कौन कौन सा, ड्रग टॉक्सिसिटी एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी। ठीक है, और एक डिजीज़ है दैट इज़ विल्सन डिजीज़। तो वायरल हेपेटाइटिस में हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई, एब्सेंट बार वायरस, साइटोमेगली वायरस एंड हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। ड्रग टॉक्सिसिटी में पहले से पता है क्या भाई, ये ड्रग्स का अगर ज़्यादा हम दे देंगे तो उसे टॉक्सिसिटी होगा ही होगा, दैट इज़ प्रिडिक्टेबल, एसिटामिनोफेन। और अनप्रिडिक्टेबल, है ना, पता नहीं है क्या भाई देंगे टॉक्सिसिटी होगा या नहीं होगा, कभी कदाल हो जाता है, दैट इज एसोनाजिड। इन्वायरमेंटल टॉक्सिन, विनाइल क्लोराइड, जमाइका बूस्टी, कावा कावा एंड वाइल्ड मशरूम, दैट इज एमेनिटा फेलोइड्स एंड ए वरना। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब गरीब है, याद कर सकते हैं, कभी भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये आ सकता है। मैं फिर से, तो जब एक कॉन्सेप्चुअल लेक्चर बनाऊंगा हैरिसन से, है ना, तो उसमें मैं फिर से ये सारी चीज़ को रिपीट करूंगा, तो अगर अभी याद हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो आपको ब्रॉड हेडिंग तो याद ही रखना है, थ्री टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, वायरल, ऑटो इम्यून एंड अल्कोहलिक, टू टाइप्स ऑफ टॉक्सिसिटी, ड्रग्स टॉक्सिसिटी एंड इन्वायरमेंटल टॉक्सिसिटी, एंड वन डिजीज दैट इज विल्सन डिजीज। ठीक है, मैं अभी जो ये लेक्चर बना रहा हूँ ना, ये बस यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम लिखने के लिए, ठीक है, इसका एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसे ज़्यादा आप लोग दिल पे ना ले, बस ये रटने और रटाने की बात हो रही है। ठीक है, तो अब दो तीन पॉइंट मैं बताता हूँ जो कि हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर वन, यहाँ पे हमें AST और ALT का लेवल बहुत ज़्यादा रेस्ट मिलेगा। ये हमें रेस्ट तो मिलेगा कहाँ पे, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में, लेकिन थोड़ा कम रेस्ट मिलेगा, हो सकता है नॉर्मल भी मिल जाए या नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन जो अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल है,
है ना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल है वो हमें हमेशा बहुत ज़्यादा लेवल पे मिलेगा, कहाँ पे? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। लेकिन वो नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा कहाँ पे? हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस में। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग एंजाइम से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ALT AST का लेवल इंक्रीज मिलेगा कहाँ पे हमें? हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस में। और अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल इंक्रीज मिलेगा कहाँ पे हमें? ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। ठीक है ना, दिस इज ऑल अबाउट योर हिपेटोसेलुलर जॉन्डिस।